नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 13 दिसंबर 2019, समय 9:19 6 सेकेंड हो रहा है। एक ट्रेड लिया था INR में, 62 का प्रॉफिट बुक किया, अभी जस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 350 का लगभग प्रॉफिट आ रहा था। मैंने जो पोजिशन बनाया था लोअर इन पर बनाया था यहाँ कहीं पर, हालांकि 62 का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हुए। अब देखते हैं स्विंग हाई और लो के हिसाब से आज कौन सा स्टॉक्स आता है दोस्तों, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे और क्या पोजीशन बनता है। फिलहाल निफ्टी 12,032 पे ट्रेड कर रहा है, अभी वेट करेंगे हम लोग। अगर इसमें INR में फिर से बनाना पोजीशन तो जरूर बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। INR का एक पोजीशन बनाना पड़ेगा तो जरूर बनाएंगे हम लोग। टाटा स्टील आज भी स्टील कुछ मजेदार लग रहा है फिलहाल तो। वेट करते हैं, फिलहाल आज लाइव सेशन भी अपने स्टूडेंट लोगों के साथ, तो उसको भी देखेंगे हम लोग क्या पोजीशन बनता है उसमें, हम लोग क्या उसमें काम कर पाते हैं। अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अभी फिलहाल दोस्तों एक INR में एक ट्रेड बनाऊंगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ है यहाँ पर। तो जो 62 रुपये का मैंने प्रॉफिट लिया है, बिल्कुल उसी के स्टॉप लॉस के साथ उतना का ही रिस्क लेके मैं अभी एक पोजिशन बनाऊंगा। 5 लॉट को मैंने फिर से बाय किया है, तो बिल्कुल मैंने पास में ही कहीं पे यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेता हूँ, बिल्कुल उसी लाइन के नीचे में। 62 रुपये आया वो तो जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना। वेट करेंगे अभी हम लोग और देखते हैं क्या पोजीशन इसमें आता है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर दो दोस्तों। स्विंग लो और हाई और साथ में स्क्वीज मोमेंटम के हिसाब से UPL में एक ट्रेड बनेगा, 571 के नीचे दिख रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है, मोमेंटम भी नीचे का है, तो मैं 571 के नीचे एक पोजीशन बनाना चाहूँगा। 571 के नीचे 571 जी, तो यहाँ पे UPL को हम लोग वॉच कर करके लिस्ट में लगाएंगे UPL को, और 571 के नीचे एक पोजीशन बनाएंगे। देख लेता हूँ ये जो आ रहा है 571.80, तो ब्रैकेट ऑर्डर में लूंगा 175 क्वांटिटी, 571.50, 571.65, 4 का टारगेट, 8 का, 4 का स्टॉप लॉस, 8 का टारगेट के साथ इसको मैंने सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया। चूंकि अभी प्राइस आया नहीं है, इस रेंज को 571.80 को ब्रेक नहीं किया, इस वजह से मैंने ब्रैकेट ऑर्डर में प्राइस लगा के रख दिया। अगर आता है ऑर्डर, एग्जीक्यूट होता है, तो फिर एग्जीक्यूट यहाँ भी हो जाएगा हमारा, और उसके बाद जो है जो भी होगा प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा। INR में एक ट्रेड बना हुआ है ऑलरेडी, नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। यहाँ से एक बाउंस होना चाहिए, नहीं तो कटेगा तो कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ जाना नहीं है उसमें, वेट करते हैं अभी हम लोग, है ना। UPL में अभी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। चलिए भाई, सब लोग जुड़ जाइए, जुड़ जाइए, सारे लोग आ जाइए, एकदम आ जाइए। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मानस जी, गुड मॉर्निंग मनीष जी, आने दीजिए सबको, आने दीजिए आने दीजिए। अपने सारे लोग म्यूट कर लीजिए भाई, दूसरे के सुविधा का ख्याल रखिए। विकास जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। UPL में एक ऑर्डर लगा के रखा है सेल साइड के लिए, है ना, स्क्वीज लो मोमेंटम के हिसाब से। देखिए बिल्कुल ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो फिर हमारा रेंज में एक्टिवेट हो जाएगा नीचे। तो मोमेंटम नीचे सेल का है ही बना हुआ ऑलरेडी, बायोकॉन में सेल दिया। ओके सर, बायोकॉन में मैंने UPL में एक ऑर्डर लगाया सर, और ऑर्डर शायद हाँ एग्जीक्यूट हो गया, आपके सामने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए देखते हैं, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 572 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा बड़ा है स्टॉप लॉस, अभी 578 के पास मैं रखता हूँ फिलहाल। मैं मेंटेन करके नीचे भी ले आऊँगा, अभी फिलहाल रखता हूँ, क्योंकि तुरंत से एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो अभी
स्विंग हाई फॉर्मूला। ओके सर, 574 पे बाय किया है, एचडीएफसी बैंक को बाय किया, ठीक सर। एक एक करके ही चेक कर सकता हूँ दलवीर साहब, है ना। आई एम नॉट रोबोट, वेट करते हैं। एचडीएफसी बैंक और जस्ट डायल और बायोकॉन, ये तीन स्टॉक्स है, अगर आप लोगों को वहां पे मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। बाय पोजीशन है, बिल्कुल बाय के साइड में बिल्कुल बने, ये बहुत अच्छा जबरदस्त जस्ट डायल जा रहा है, जिन्होंने बनाया बहुत मजे में रहिए। अनिल जी भी आ गए, और एक है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे के लेवल खुल सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है इसमें। बायोकॉन है अगला आपका, बायोकॉन का स्टॉक है आपके पास, रोशन जी आ गए। बायोकॉन सेल का है, बिल्कुल बायोकॉन बहुत बढ़िया सेल के साइड में है, बायोकॉन सही है 292 के नीचे। अच्छा यूपीएल अभी यहीं पे सस्टेन कर रहा है ब्रेक, मैंने टेलीग्राम पे 571 के नीचे दिया, इसने लो कितने का लगाया है, लो लगाया 571.30 रुपये का, यानी अभी लो टेलीग्राम पर जो दिया है सेफली मैंने दिया है, उसको अभी ब्रेक इसने किया नहीं है, तो वो जब ब्रेक करेगा तो काफी अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वेट करेंगे। मोमेंटम तो लो है नीचे यूपीएल का। मोमेंटम तो यहाँ लो साइड का ही है, बस ये अपना इस सपोर्ट को बहुत अच्छे से टेस्ट करा है। इंडसइंड बैंक को सेल किया है 1448 पर। ओके सर, चेक कर लेते हैं इंडसइंड बैंक। अड़तालीस पर, ओके 48 ब्रेक कर जाए तो भी ना सर, बिल्कुल सही कहा, 48 को, 48 के बाद तो 40, हाँ 48 को ब्रेक करने दीजिए फिर करिएगा, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अनिश साहब। यूपीएल क्या नीचे आ रहा है क्या, यूपीएल कौन आ गए, फरजान साहब आ गए, हाँ यूपीएल अच्छा से नीचे आ रहा है और हमारा प्रॉफिट भी हो रहा होगा, 217 का प्रॉफिट, 227 का प्रॉफिट हो गया है यूपीएल में ना। रिलायंस को 1578 पे बाय किया, ओके रिलायंस पे तो लेवल भी हम लोगों का ना, रिलायंस को मैंने दिया हुआ है बाय के लिए, 1573 पे दिया है मैंने बाय करने के लिए, तो अब 1578 पे बिल्कुल अच्छी बात। अच्छा इसका एक टारगेट कहाँ पर आएगा, टारगेट तो हम लोगों ने चेक नहीं किया, यहाँ पे है एक, ये है इसको ब्रेक करने देते हैं, बड़ा है, उसके बाद एक है 566 के पास में, और उसके बाद जो फाइनली है वो 562 के पास में है, यानी कि पहला है 570, दूसरा है 566 और तीसरा है 562। चलिए सारे लोग आ जाइए भाई। आरबीएल बैंक, दूर रहता हूं मैं आरबीएल बैंक से सुदीप साहब, सॉरी मैं आरबीएल बैंक को ट्रैक नहीं करता, मैंने उससे कान पकड़ा हुआ आरबीएल बैंक से, यस बैंक से, आईबुल से, यस बैंक, आरबीएल, आईबुल, ये सबों से मैंने कान पकड़ के रखा है। 62 का प्रॉफिट काटा था मैंने इसमें, यूएसडीएनआर में, उतना ही मैंने लॉस लेके छोड़ दिया, प्रॉफिट लिया था फिर लॉस लेके छोड़ दिया उसको मैंने। तो स्विंग लो और हाई से आज हम लोगों का यूपीएल है ट्रेड। आईएनआर में बाद में मिलेगा जगह तो जरूर करूंगा। 236 का प्रॉफिट हो रहा है, 500 पहले कितने का टारगेट था हम लोगों का, 297, 385 का टारगेट हो गया, 385 हो गया, पहले कितने का है, इसको ब्रेक कर रहा है 577 का ना, उसके बाद है 566, 570, 566, 570 तो डन हो गया, 570 वाला तो डन हो गया, 566 यहाँ पे होगा टारगेट, अगला टारगेट यहाँ है स्विंग लो और हाई के हिसाब से। सेंचुरी टेक्सटाइल को बाय किया, ओके तो बिल्कुल सर उस तरह से ना करें, है ना, थोड़ा टाइम निकालें अपने बिजी शेड्यूल से, टाइम निकालें पैसा अगर कमाना है तो, ठीक है ना।
क्योंकि एसबीआई लाइफ को बाय किया। ओके विकास जी, एसबीआई लाइफ को बाय किया है। एसबीआई लाइफ चेक कर लेता हूँ सर, ये 566 नजर रखेंगे हम लोग, 566 67 यही सब है एसबीआई लाइफ। देखिए मैं ये बात बार बार कहता हूँ अपने सारे लोगों से कि अगर टाइम नहीं रहे ना आपके पास तो सर कोई जरूरी नहीं है इसको काम करने का, है ना, क्योंकि ये टाइम तो खोजता है सर। ये स्टॉक मार्केट ऐसा है जो आपसे बहुत टाइम मांगेगा कि हमें पूरा टाइम आप दो, पूरा टाइम दो। जब तक आप पूरा टाइम नहीं देंगे ना, आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते सर। इस बात को आप फील करिए। ट्रेडिंग व्यू मैंने बैक टेस्ट किया, बहुत अच्छा काम होता है। ओके सर, थैंक यू, है ना। तो जब तक आप इसको टाइम इस पर आप नहीं देंगे ना, तो बहुत मुश्किल है स्वामी सर। ये मैं आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा टाइम आपको निकालना होगा बिजी शेड्यूल से। एवरी मैन इज बिजी, सारे लोग बिजी हैं, लेकिन काम तो करते हैं ना, तो इसके लिए भी थोड़ा टाइम निकाली। नमस्कार सर, टाटा मोटर को शॉर्ट किया 180 रुपया 60 पैसे पे। टाटा मोटर्स को शॉर्ट कर दिया है। ओके, टाटा मोटर्स देखिए कुछ भी यहाँ पे ऐसा बातें मैं नहीं बोलता कि भाई रॉकेट हो जाएगा, एकदम तेजी से भाग जाएंगे वो एकदम। सर टाटा मोटर्स को बाय क्यों किया है सर? वो तो काफी हवा में लटका हुआ है सर। टाटा मोटर्स तो बहुत हवा में चल रहा है, क्यों बाय किया आपने उसको? अभी बहुत ऊपर है वो, देखिए थोड़ा सा अगर ब्रेक कर जाएगा नीचे की साइड में 173 मुश्किल में पड़ा देगा आपको वो। हालांकि बहुत ऊपर है, गैप अप खुला है, है ना, गैप अप खुला है। और एसबीआई लाइव की बात किसी ने पूछा था, क्या किया, शॉर्ट किया ना एसबीआई लाइव। बाटा को बाय करना है 1720 पर। ओके देखिए यहां से ये बाउंस ले रहा है, जो सपोर्ट था 568 के पास से पहले। एक बार यूपीएल को चार्ट चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, यूपीएल में चूंकि ऑर्डर है तो चार्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल इसी सपोर्ट के पास, स्विंग लो वाले के पास से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ये जो प्राइस आ रहा है 569 का आ रहा है, 569 ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस टेल कर लेंगे, कम कर लेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस को उठा के नीचे ले आएंगे, 575 के आसपास रखेंगे यहाँ, ठीक है। एक स्टॉप लॉस हमने टेल कर लिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने लिया है, अच्छा हाँ ठीक है, 175 क्वांटिटी है। अभी 400 से देखिए 35 रुपया बचा प्रॉफिट। बाटा को बाय किया आपने, टाटा मोटर्स पे ध्यान रखिएगा, काफी गैप अप है तो थोड़ा सा उस पे। बाटा इंडिया था ना किसी का? बाय किया सर, तो बाय किया तो टारगेट अभी तो बाय अभी क्लियर नहीं। 1720 के ऊपर बाय बनाइए, 1719-50 के ऊपर एक बाय बनेगा बहुत अच्छा से बाटा इंडिया का, है ना। सत्रह सो बीस ज्यादा ठीक रहेगा, 1720-1719, हाँ 1720 भी ठीक है। ये देखिए 210 का लॉस में आ गया हूं मैं, हम लोग यहाँ पे 210 के लॉस में आ गए, प्रॉफिट से लॉस में, कोई बात नहीं। एक मिनट सर, चलिए इसमें 43 का बचा है, कोई बात नहीं, 61 वेट करेंगे यूपीएल क्या चल रहा है।
वेट करते हैं, इसमें देखिए कितने का अभी नीचे आ रहा है, वेट करते हैं। अभी 168 रुपये का प्रॉफिट में है, वेट करता हूँ। यूपीएल कैसा चल रहा है? नीचे की साइड में वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। टाटा स्टील में सेल हो सकता है, टाटा स्टील ओके चेक कर लेता हूँ। टाटा स्टील 1 मिनट, टाटा स्टील गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओके 61 का भी टाटा स्टील में छोटा स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ना अभी काफी ज्यादा, एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ बनेगा अगर सेल करना है, लेकिन ये मुझे अप का मूवमेंट लग रहा है सर, ये अपसाइड का मूवमेंट है, मत करिए शॉर्ट, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपसाइड का मूवमेंट है, ना ना छोड़ दिए टाटा स्टील, सेल की तरफ मत दिमाग लगाइए, क्योंकि खबर वगैरह भी घुसा हुआ है उसमें। खबर क्या घुसा हुआ? यूएस चाइना का ट्रेड वॉर वाला ठीक हो रहा है, सुधार रहा है, इसीलिए ना। इसको तो एक ऑर्डर में फेर लूंगा, चलिए एक ऑर्डर उसमें मैंने लगा। M&M को अपने से डिवीज लैब को देखना है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ओके ठीक है, डिवीज लैब चेक कर लेता हूँ सर। डिवीज लैब रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, लेकिन अभी दम नहीं है, अभी दम बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएल कैसा चल रहा है हम लोगों का भाई? 87 का प्रॉफिट, 105 है, चलिए वेट करते हैं। सुजय जी आ गए, और एक कौन है? M&M को बाय किया 571-75 पे ना, M&M को आपने बाय किया है, M&M को 571, M&M को बाय किया है 571-75 पे, 517-75, अच्छा 517 है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात, अगर ये 522 ब्रेक नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा सर, 522 अगर ब्रेक नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा सिप्ला को सेल, सिप्ला और सेल साइड ट्रेड लगा सकते हैं, डिवीज लैब महिंद्रा में, अच्छा डिवीज लैब में, डिवीज लैब में नहीं, अभी मजा नहीं है उसमें। सिप्ला, सिप्ला को आपको सेल क्या करना है? सिप्ला सेल करना 400, ठीक है हाँ कर सकते ना, 458, 457 के नीचे करना है, 457 के नीचे। और आपका क्या है BPCL में क्या बन सकता है, क्योंकि सपोर्ट से बाउंस किया है? ओके BPCL में तेल भराइए और क्या। फोर एटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो 486 के नीचे ज्यादा सेफ रहेगा, 486 के नीचे सेल ऑर्डर ले सकते हैं BPCL में। चार सौ छियासी के नीचे सर आप बहुत हंसाते हैं, अच्छा सुबह 98 बाटा इंडिया टारगेट डन हो गया, बाटा इंडिया में ना एक टारगेट हम लोगों का, प्रॉफिट बुक कर लीजिए बाटा इंडिया में। प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप, बहुत बायोकॉन मस्त चल रहा है, बायोकॉन हाँ ठीक है सर, बायोकॉन में बिल्कुल बने रहिए, बायोकॉन है ना, मैंने टेलीग्राम पे भी बाटा इंडिया दिया हुआ था, और प्रॉफिट बुक हो गया है उसमें, फर्स्ट टारगेट अपना भी काम हो गया, इधर 96 का चल रहा है, कोई बात नहीं, 183 हो गया है, ठीक है सर कोई बात नहीं, बने रहिए,
कौन सा था आपका? कोलपाल, अपोलो। अपोलो हॉस्पिटल को 7.5 पॉइंट बुक कर लिया 55 क्वांटिटी में विकास जी। बहुत बढ़िया विकास जी, मुबारक हो। कोलपाल को सेल करना है, कोलपाल को। ओके सर, मैं कोलपाल चेक कर लेता हूँ। कोलपाल को सेल करना है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, क्या दिक्कत है। एक मिनट सर, जरा सा कोलपाल को सेल बिलो करना पड़ेगा, है ना, सेल बिलो करना पड़ेगा 74, 1474। कोलपाल को सेल बिलो, 1 मिनट सर, जरा सा रुक जाइएगा, 1474। अब बोली क्या कह रहे हैं, एडमिट ऑल। ये तो यहीं से बाउंस बार बार मार रहा है यूपीएल तो। वहीं से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही हेवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है। एक्सिस बैंक फर्स्ट टारगेट डन हो गया, बहुत बढ़िया सर, एक्सिस बैंक ने पहला टारगेट डन कर दिया। एक्सिस को मैंने दिया था ना 727, 732 के तक का टारगेट था एक्सिस बैंक का, टारगेट डन हो गया, लिख दूं। हाँ, फर्स्ट टारगेट डन, ओके, थैंक यू सर, फर्स्ट टारगेट डन हो गया, ओके। इंजॉय प्रॉफिट करिए भाई, आप लोग बुक करते जाइए। मेरे टेलीग्राम वाले सब भाई लोग भी प्रॉफिट बुक करिए, इंजॉय प्रॉफिट, आपकी सेवा में आरके ट्रेडिंग हाजिर है। चलिए वेट करते हैं, इसको हमने बाय कहाँ पे ले, सेल कहाँ पे किया है, 571.55 रुपया पे, है ना। तो एक्सेल सीट यूपीएल को सेल किया है, क्या चाहते हैं, मैं अपना घर परिवार ना चलाऊं, 571.55, बोलिए सर, मेंटेन कर दिया, सेल किया यूपीएल को। रोशन जी जवाब नहीं दे रहे, क्या करें, अपना घर परिवार चलाना छोड़ दूं। अच्छा गजब, हम लोग से जैसे मैंने कहा, देखिए रोशन जी को देखिए क्या है कि जैसे बात आ गया पैसे का तो कह रहे सिर्फ देखेंगे। ये भी अच्छा देखिए आ गया ना आईनार में, प्रॉफिट में, लॉस काट के प्रॉफिट में, ये है आईनार पे मेरा पावर, है ना। आईनार के कोर्स बहुत जल्द मैं लॉन्च करूंगा, खैर कोई बात नहीं। यूपीएल कैसा चल रहा है, यूपीएल पे ध्यान नजर बना कर रखिए, यूपीएल बहुत अच्छा से तेजी से आ रहा है नीचे। सर आप जबरदस्त हो, शानदार, मस्त चल रहा है, USD INR किंग है सर। सर USD INR का किंग तो नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना उसको मैं समझ गया हूं, उसको इतना समझ चुका हूं कि मैं उसमें लॉस में नहीं करता, कम से कम मैं उसमें लॉस में नहीं करता हूं। मुझे अपने भारतीय मुद्रा पे ना पूरा भरोसा रहता है। INR पर हम भी आपसे सीख लेंगे, जरूर सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने खैर भारतीय मुद्रा पे पूरा भरोसा, 315 का यूपीएल में चल रहा है। 567-566 का टारगेट है, देखिए वो आता है कि नहीं, एक बार तो वहां से बाउंस किया है, हम भी बादशाह बनेंगे, बिल्कुल बनिए सर बादशाह, आप बादशाह बनिए, आप राजा बनिए, ईश्वर करे आप सब बनिए। इस बार सांता क्लॉज से मैं यही मांग लूंगा आप लोगों के लिए कि भाई मेरे सारे लोगों को बादशाह बना दीजिए आप। कह रहे बाद के साथ
सर एक लॉट से एक्सपेरिमेंट डेली चालू है USDNR में, अभी तक ठीक ही चल रहा। बहुत बढ़िया गजन साहब, बहुत बढ़िया। इसलिए कंटिन्यू ट्रेड करने के लिए, जी मैं इसलिए कंटिन्यू ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ, कुछ भी करिए ना कंटिन्यू करिए उसको, कंटिन्यू तभी आप उसको पकड़ सकते हैं रोशन साहब, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी चीज करिए कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू कर करके कर करके करके वरदराज बन जाइए। स्विंग हाई लोकली, स्टॉक सिलेक्शन का कुछ आइडिया? अच्छा स्टॉक सिलेक्शन बहुत नॉर्मल, मैंने अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल के व्यूवर लोगों ने भी पूछा था, मैंने उनको बताया था सिंपल यूज करना है मेथड, गेनर लूजर से उठा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जबरदस्त आ रहा है यूपीएल नीचे की साइड में, 420 का प्रॉफिट, माइंड ब्लोइंग। सिप्ला को 459 पर आपने बाय किया है, सिप्ला सर 1 मिनट, 459 पे आपने बाय कर लिया, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हालांकि आपने बहुत जल्दबाजी किया है लेकिन फिर भी ठीक है। करेंट डे का गेनर लूजर की प्रिपेयर, करेंट डे का चल चल एक झटका मार नीचे, 566 तोड़ नीचे, तोड़ एकदम मार एकदम गर्दा उड़ा दो, 568 तोड़ो एकदम, 568 तोड़ दो भाई मेरे, तोड़ो। मैं समझता हूँ सर कंटिन्यू नहीं करने का प्रॉब्लम, मुझे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। मैं हमेशा कहता हूँ रोशन साहब शुरू, अभी सोमेश्वर से मैंने बोला ना, सोमेश्वर से सर एकदम टाइम देना पड़ेगा, ये मार्केट आपसे टाइम मांगता है, बहुत टाइम मांगता है सर ये मार्केट आपसे। आप चाहते हैं ना कि तुरंत से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा सर तुरंत से, टाइम मांगेगा बहुत टाइम। मारो 468 तोड़ो, 568 ब्रेक कर दो, कर दो 568 ब्रेक, सब बात, चलो चलो दो झटका दो नीचे, दो गजब मार मार जोर से, एक और एक बार, एक बार गाना गाओ तो जल्दी नीचे आएगा। हाँ तोड़ दिया, गजब गजब बहादुर, शाबाश शाबाश, नीचे रहना नीचे रहना नीचे रहना, 612 का प्रॉफिट, चलो चलो बहादुर शाबाश, गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ा नीचे आ जा, 66 पे आ, 66 पे आ, 66 पे लगा, एक जोड़ और दे दे, चलो 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 जल्दी घर जाए, दुकान बढ़ाए, हाँ 665 दे दे दो। आप मार्केट का गजब मजा, मार्केट्स का मजा तो लूंगा नहीं सर, ये मेरा काम है, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ, मैं हेडेक लेके काम नहीं करता है ना। गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ा, 717 का प्रॉफिट है, 638 एक झटकार दो, 566 के पास से ही बाउंस बैक कर रहा है ना, ये यहाँ पर बाउंस बैक कर रहा है, 567 के पास, 567 के पास से बाउंस ले रहा है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे हम लोग, चलो दो 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 दो, फिर 562 थोड़ा सा 63 के पास भी रख सकता हूँ। अरे तो मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ सर, मैंने तो अलग अलग क्वांटिटी पे लिया ना, मैंने तो इसको बुक कर लेना 108 क्वांटिटी को, मुझे तो बुक कर लेना है। चलिए मैंने बुक कर लिया, नहीं आया, 568 रुपया 20 पैसे के पास मैं इसको रख देता हूँ, लीजिए मैं तो 108 क्वांटिटी बुक कर लूंगा, मैं इतना हेडेक क्यों ले रहा, मैंने तो ब्रैकेट में लिया, मुझे अलग अलग मिला था ना, आपके साथ एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई बात, सेंचुरी टेक्सटाइल नहीं जा रहा, कोई बात नहीं सर, SBI लाइफ 975 में बाय किया है, बना रहा हूँ क्या सर SBI लाइफ। अरे भाई सिप्ला पे प्रॉफिट बुक पे नजर दीजिएगा, सिप्ला बहुत तेजी से भाग रहा है SBI लाइफ। चारों लंका तेरी ओर रे, SBI लाइफ को क्या किया है 975 पर बाय किया, ठीक है सर बने रहिए। और क्या है 578 पर हो गया, क्या हो गया सर सेंचुरी, हाँ 500 SL, ऐसा लाइक 578 हो गया, मैंने कहता पे रखा था, नहीं लिया मॉडिफाई ही नहीं किया, तो 568 रुपया 80 पैसे पे कर देता हूँ, नहीं ले रहा ये ब्रैकेट ऑर्डर, नहीं ले रहा है ना ब्रैकेट ऑर्डर में, देखे ना और दे मॉडिफाई करने दे ही नहीं रहा, देख हाँ इस बार दिया अब टेंशन नहीं है, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया ना, ये ऊपरे रखने बोलता है, देख रहे हैं होशियार को, ट्रेल कर रहा हूँ, ओके कर लीजिए। मैंने 100 क्वांटिटी 108 क्वांटिटी का प्रॉफिट ला के रख दिया है नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यूपी यहाँ पे देखूँ यूपीएल क्या हिसाब चल रहा है, मैं इंजॉय कर करके ट्रेड करता, आप लोग भी करिए, हेडेक लेके ट्रेड क्यों करते हैं,
सिप्ला को ट्रेल करना, सिप्ला ट्रेल करिए सर, सिप्ला में ध्यान रखिए, तेजी से उड़ रहा है सिप्ला एकदम। एकदम सिप्ला मस्त है, सिप्ला एक बार अगर ब्रेक कर देगा ना ऊपर 500 462 को, तो सिप्ला बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। भाई टेलीग्राम चैनल पे जो कॉल दिया है उसमें से एक्सिस तो हिट हो गया, टारगेट बाटा हिट हो गया, और कोलपाल का क्या पोजीशन है, कोलपाल का जरा बताइएगा आप लोग। कोलपाल भी दिया था मैंने, कोलपाल दिया था 1474 के नीचे, क्या हो रहा है कोलपाल में? कोलपाल को भाई मेरा बताएगा। हेले 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 तू, कोलपाल 1477 चल रहा है, ओके। और कितने के नीचे हम लोगों ने सेल दिया था कोलपाल को? कोलपाल को सेल दिया 1474 के नीचे, और ये ट्रिगर हो गया ना, ट्रिगर होने के बाद स्टॉप लॉस 1480 का दिया हुआ है ना हमने, 1480 अभी कटा नहीं है, 1480 बच गया, 1479.80 का हाई लगाया, बचा स्टॉप लॉस बचा हुआ है सर, वेट करते हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं कोलपाल 1470, ठीक है, तो कोलपाल को भी चेक कर लेंगे, मार्केट 66 पॉइंट पॉजिटिव है कोलपाल, हो दिक्कत में पड़ा देगा कोलपाल, कोलपाल दिक्कत में पड़ा देगा सर। यूपीएल भी, यूपीएल का लगता है एक टारगेट अचीव हुआ, माने हमने ये कर लिया, एसएल जो है कट जाएगा ये वाला, ये देखिए ये 567 जो इम्पोर्टेंट है ना, इसको ये ब्रेक ही नहीं कर रहा है 567.50 को। बाय कौन से निकल निकल जाइए, प्रॉफिट ले लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है, प्रॉफिट बुक करिए, बाय कौन से भी बिल्कुल बुक करिए प्रॉफिट। अभी तक दो ट्रेड लिया दोनों ही ग्रीन, विकास जी कह रहे, ओके विकास जी मजा आ गया, ज्यादा नहीं आया सर, ज्यादा नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मूवमेंट चेंज कर रहा है तो निकल जाइए ना, रोबोट नहीं बनना है। सिप्ला 462 का हाई लगा, जी 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 बिल्कुल, सिप्ला अच्छा चल रहा है सर, बहुत बढ़िया, 462 के ऊपर लग गया ना, बहुत बढ़िया, एसबीआई लाइफ में प्रॉफिट में बना हुआ हूं, बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। हैवल 456.40 पे आपने बाय लिया, ओके स्कूल के लिए निकल रहा हूँ सुजय जी, निकल जाइए सर, बहुत बढ़िया। मुझे कमेंट्री भी करना पड़ता है, क्या बताऊं, हैवल 654.50 पे आपने क्या किया, बाय लिया 654.50, 656.70 चल रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 600 थोड़ा सा लेट लिया है, लेट किया है आपने, लेकिन फिर भी ठीक है। एक बार 500 तोड़ देना भाई नीचे, 567 को तोड़ देना, क्यों सता रहा है, बच्चे का जान ले रहा है, तोड़ देना 567 सर। आपका रेंको चालू है, मस्त चल रहा है, अच्छा रेंको भाई गजब है सर, आपका रेंको भी गजब है, लास्ट कुछ दिनों से एक्सपेरिमेंट चालू है, मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इंजॉय करिए सर, जो जो मिल रहा है मेरी तरफ से फ्री में लेते जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम लेते जाइए। टाटा इलेक्सी 888 पे बाय होगा क्या, लिख रहे हैं आप, कौन है ये ऋषिकेश साहब, टाटा इलेक्सी चेक कर लेता हूँ सर, टाटा इलेक्सी को 880 पे, इतना ऊपर क्यों बाय करना है, मैं तो कहूंगा उसको इग्नोर कर लीजिए अभी आप। सेंचुरी फर्स्ट टारगेट डन, ओके सेंचुरी टेक्सटाइल फर्स्ट टारगेट लिख दूं मैं रतन जी, लिख दूं टेलीग्राम पर, यूएसडीएनआर का क्लास जल्दी लाई, हाँ जल्दी ला रहा हूँ, कोटक बैंक देखे साइड पर, फर्स्ट टारगेट डन हो गया कोटक बैंक, ओके ओके ठीक है सर, मैं लिख देता हूँ ना, एक मिनट लिखने दीजिए, सेंचुरी टेक्सटाइल फर्स्ट टारगेट डन, अच्छा और क्या है सर, कोटक बैंक भी सेल साइड का फर्स्ट टारगेट डन हो गया सर, आप गाना नहीं गा रहे हो इसलिए धीरे से जा रहा है, आ रहा है लेकिन ब्रेक करेगा तो अच्छा से तेजी आएगा, लिख दूं कोटक बैंक को भी, ओके सर, लेकिन मैं पहले चेक करूंगा कोटक बैंक को, हाँ गजब, ओ तब तो लिखना ही पड़ेगा, कोटक बैंक फर्स्ट टारगेट डन,
इंजॉय करिए, प्रॉफिट इंजॉय करिए भाई, एकदम मजा में लेते जाइए, है ना। प्रॉफिट को बुक करिए सारे लोग, मेरे सारे भाई लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, यूपीएल ब्रेक कर रहा है सर, यूपीएल ब्रेक कर रहा है, यूपीएल ब्रेक कर रहा है, 796 का प्रॉफिट, 858 गर्दा, ब्रेक कर गया, टारगेट डन हो रहा है सर, टारगेट डन हो रहा है, यूपीएल गया, गर्दा गर्दा मचा दिया इसने तो तूफानी रफ्तार से, 900 का, 900 का, चल चल एक बार, शाबाश, चल गजब, 918 मार एकदम नीचे, फोड़ दो एकदम आज इसको, एकदम फोड़ दो इसको, मारो एकदम इसको, मैं एकदम स्टॉप लॉस टेल कर लूंगा इसको। स्टॉप लॉस टेल कर लिया है सर मैंने, टेंशन नहीं लेना है, मार्केट से पुराना लगता है आपका, मार्केट से पुराना रिश्ता है, मार्केट से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है सर, बहुत। आपको पता है कि एसीसी को बाय होगा, बहुत अच्छा जगह पकड़ रहे हैं आप, एसीसी पे बहुत बढ़िया है, और एसीसी को आपको बाय करना है 1442 के ऊपर, 1441 42 के ऊपर, एसीसी 883 चल रहा है इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग का आईनार कैसा चल रहा है भाई? आईनार को बहुत देरों से मैंने नहीं देखा है, गर्दा है यो चल रहा है, ठीक है। एसबीआई को देखना है, ओके सर, एसबीआई देख लेता हूँ सर, आपका आदेश। मानस सर, राजू सर, कौन है? ललित सर, एसबीआई को दिखाना है, ले 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 ले। एस बुक कर सर, मैंने बुक वो स्टॉप लॉस टेल कर लिया सर, मैंने धीरे धीरे टारगेट की तरफ जा रहा है, जी, ओह गजब, ठीक है सर, एसबीआई। और इसमें बहुत बहुत मैंने, मुझे धुंधला सा याद है, मुझे लगता है वो 90 के आसपास होगा, 90 के आसपास, 92 के आसपास का मैच होगा वो। सिप्ला करिए ट्रेल, कोई दिक्कत नहीं सर, टीवी में भी नहीं देख, कोई बात नहीं सर, मजा लीजिए, एंजॉय लीजिए। बाय देखिएगा, जो मैंने स्टॉक सब दिए हैं टेलीग्राम पर, यूट्यूब पे, जिसका जिसका टारगेट आएगा बताते जाइएगा, मैं वाच नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। मैरिको का कोई टारगेट आया है क्या? आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन बन सकती है बाय साइड? ओके, सिंगल मैन टू अलाउड नहीं है ना सर? नहीं, सिंगल मैन अलाउड नहीं है, लेकिन उस मैच में हुआ था अलाउड, आईसीआईसीआई बैंक में पोजीशन। ओके, आईसीआईसीआई बैंक का एक लेवल तो 538 है मेरा। देखिए, यूपीएल का 108 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो गया है ना, 108 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो गया है, वहीं से बाउंस ले रहा है, मैं इसको और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूं। मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल बुक कर लिया, 1000 का बुक कर लिया वो, क्या जी साहब, सिप्ला में 1000 प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है सर। सेंचुरी का फर्स्ट टारगेट डन बाय साइड, ओके सर। यूपीएल यहां से बाउंस ले रहा है, कोई बात नहीं, देखिए बिल्कुल सपोर्ट का, कितना जबरदस्त स्विंग, हाई लो जो है कर रहा है सर। एसबीआई लाइव कहीं नहीं जा रहा, एग्जिट कर बिल्कुल कर लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगे, एकदम एग्जिट कर जाइए सर। देखिए, ये एसएल काटेगा, ये भी हम लोग बाहर हो जाएंगे, जो भी प्रॉफिट मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 569 रुपया 10 पैसे पे मैंने रखा है, देखता हूँ यहां से ये मुझे एग्जिट कर देता है या नहीं करता है। मैरिको का स्विंग हाई लो से बाय करो, के मैरिको 538 बाय ऑर्डर टिगर हो चुका है आईसीआईसीआई बैंक पे, प्रॉफिट पे नजर रखेंगे हम लोग, नजर इंटी पर, और इंटी प्राइस आ गया 538, ओके गजब। और मैरिको 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 तो एक ठीक ठाक लेवल दिखा रहा है ना, तो 333 पर वैसे भी बाइंग लेवल एक्टिवेट है मेरा मैरिको पर। आर के सर की जय हो, नहीं भाई मेरी जय हो न, मत करिए बिल्कुल नहीं, ये सब जय तय नहीं करना है, मैं बहुत नॉर्मल बंदा हूँ सर, ठीक है। मैरिको
जरा सा अपना एक चेक कर लूं। हाँ, क्या एसबीआई को कल बाय किया है 317.10 पर, टारगेट 340। ओके सर, एग्जिट हो गया हूँ, 3.5 का प्रॉफिट ले, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ये मेरा एसएल काटेगा 569.10, काटो काटो तो फिर मेंटेन करूँ मैं, फिर मैं एक्सेल शीट मेंटेन करूंगा और इससे एग्जिट हो जाऊंगा। आपसे सीखकर हम रोज कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। ओके अजीत जी, थैंक यू सर, थैंक यू अजीत जी, थैंक यू। चलो चलो चलो, काट दो स्टॉप लॉस, काट दो, इस बार तुम काट ही दो तो निकल जाऊं, दुकान बढ़ाऊं फिर एकदम। देखिए ये रेंज बाउंड हो गया यहाँ पर आके, इसी से स्विंग हाई और ये स्विंग लो में फंस गया। हालांकि मोमेंटम नीचे ही है, मोमेंटम नीचे का ही है ना, मोमेंटम नीचे का ही है। वेट करते हैं हम लोग। ये एसएल कट गया, ट्रेलिंग एसएल, तो जो प्रॉफिट बुक किया उसको मेंटेन कर लेते हैं एक्सेल शीट पे। भाई हम लोगों ने 580 का प्रॉफिट लिया, एग्जिट जो हुए हम लोग कितने पे एग्जिट हुए, इसको एग्जिट लिख लेते हैं हम लोग। एग्जिट जो हुए हैं कितने प्राइस पे, 571.55 पर हम लोग 568.24 पे एग्जिट हुए, 568.24 पे एग्जिट हुए, तो 568.24 पे एग्जिट हुए, 579 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया आज का स्विंग लो और मोमेंटम के हिसाब से मेरा ट्रेड डन। चलिए इसको अब क्लोज कर देता हूँ, फिलहाल हम लोग बने रहेंगे, फिलहाल इस सीट को बंद कर देता हूँ और रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ और आप लोग बने रहिए मेरे साथ फिलहाल। ठीक, तो इतना ट्रेड हुआ, 30 दिनों तक देखते हैं क्या प्रॉफिट क्या लॉस आता है। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, आप लोग मत जाइएगा, आप लोग बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:35:13, जो INR का एक ट्रेड था, लास्ट लाइव सेशन चल रहा था, खत्म हो गया, क्लोज हो चुका है। तो जैसा आपने देखा, स्विंग लो और हाई के हिसाब से मैंने UPL में प्रॉफिट लिया और अभी INR में उसी टाइम आप लोगों के सामने ही पोजीशन बनाया हुआ था, लॉस में था, फिर देखिए पोजीशन में बिल्कुल डटा रहा अपने एनालिसिस पे और ये प्रॉफिट में मैं INR में फिलहाल ट्रेड कर रहा हूँ 325 का प्रॉफिट के साथ। कहाँ 66 का लॉस था, कहाँ 325 का प्रॉफिट हो चुका है। टारगेट एक रजिस्टेंस है, पिछला रजिस्टेंस मुझको यहाँ कहीं पर एक आना चाहिए इसको, मेरे ख्याल से तो मैं एक लाइन ऐसे लगा के रखा है, जरूरी नहीं कि वो है, उसके आसपास भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है इस बात की, तो देखते हैं वहां तक जाता है या नहीं जाता है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, जो भी होगा INR का फिर रिजल्ट दिखा दूंगा या क्लोज कर देता हूँ, यही है। स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलूंगा अगर यहाँ हिट होता है तो, नहीं तो अदरवाइज मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।